फ्रेंड है यार, वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा रही है। मैं तो कहता हूँ कि बल्कि तू भी चल। वो फ्रेंड तेरी है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। चल चला चलूंगा, वहां पे हर लड़की तो तेरी फ्रेंड ही होगी ना। तू मुझे ये बता कि 3 दिन से दफ्तर क्यों नहीं आया। यार यार, ये कमबख्त मारा चेक इसकी वजह से। ओ बड़ी बात है। वैसे बड़ी बात है क्यों? वैसे ही। अच्छा तू मुझे ये बताओ कि तेरी फैक्ट्री कैसे चल रही है। क्या चलनी है पेंट की छोटी सी फैक्ट्री। यार मैं कोई बड़ा सा काम करना चाहता हूं। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। तुम यहां क्या कर रहे हो? इंतजार तुम्हारा नहीं, चाय का। तुमने तो लिफ्ट ही नहीं करवाई, मैंने सोचा इधर से ही चाय पी लो। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं शान से कुछ बात करना चाहूंगी। श्योर। सुनो, अगर चाय पीनी है तो लॉबी में बैठ जाओ। मैं पियोन से कह दूंगी जब वो चाय हमारे लिए लेके आएगा एक कप तुम्हें भी दे देगा। बड़ी बात है, वैसे बड़ी बात है। ये यहां क्या कर रहा था? वलीद मेरा दोस्त है, कजन है। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि इससे ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? जरूरी नहीं है कि हर क्यों का जवाब दिया जाए। बस मैं नहीं पसंद करती कि आवारा किस्म के लोग यहां आए। तुम्हें मेरे सारे रिश्तेदार बदमाश नजर आते हैं। सारे नहीं, सिर्फ वो जो हैं। शेरबानो, मैंने सिर्फ अम्मी के कहने पर दोबारा फैक्ट्री आना शुरू किया है, लेकिन मैं किससे मिलूं किससे ना मिलूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये फैक्ट्री का नहीं मेरा साथी मसला है। डैड कहाँ है? किसी क्लाइंट के साथ अंदर फैक्ट्री में गए। मैं उनसे वहीं मिल लूंगी। हाय। हेलो। बैठिए प्लीज। आपका पियन कह रहा था आपकी तबीयत कुछ खराब है, कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है? जी नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द था, कल ही ठीक हो गया था। मुझे नहीं पता था, वरना दवा लेकर हाजिर होता। आपने अफसाना मुकम्मल कर लिया? नहीं, अभी तो लिखना शुरू किया है, अब आगे आपकी मदद की जरूरत है। सही साहब, मुझे अफसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे अफसानों से भी नहीं? जी। अब सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सईद साहब, मेरे पास फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं भी इस वक्त अफसाना डिस्कस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त आपकी तीमारदारी के लिए आया हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। हमारे आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वैसे शायरी से कोई दिलचस्पी है आपको? नहीं। ग्रेट, तो इसी खुशी में कोई चाय वाय का इस्तेमाल करें। वैसे नमकीन बिस्किट मुझे ज्यादा पसंद है। वैसे मीठे भी चलेंगे, बशर्ते के ढेर सारे। मुझे जरूरी काम है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी कुछ जल्दी नहीं, आप अपना काम कराइए। चाय का सर जल्दी कह दीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं या वो मैं सिली से मिलने आया हूँ।
सिरी तो एक महीने की छुट्टी पे है। मुझे पता है, मैंने उसे छुट्टी लेने के लिए कहा है। तूने क्यों? वैसे ही, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? हर्षद, कहीं तुम यहां जॉब तो नहीं कर रहे? अरे यार, मरवा दिया ना, बताना तो था। मेरे ऑफिस में जा। नहीं नहीं, वो मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। बाय। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। खैर तो है शान जी, आज बड़े लोग छोटे लोगों के घर में। शर्मिंदा न कर वलीद, मैं शहर बांधों के उसने के रवैये की माजरत ही करने आया हूं। जो कुछ उसने कहा है और जो कुछ किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो प्रॉब्लम ब्रदर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं ब्रदर। मैंने तो डैडी को भी नहीं बताया, पूछ लो बेशक। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरा शान बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आओ भाई आओ, बैठो। खड़े क्यों हो भाई? कोई चाय वगैरह का पूछा भाई को? बड़ी बात है, अभी बड़ी बात है, अभी तो आया है। अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या जिक्र नहीं किया मुझसे भाई, क्या बात हो रही थी? वो डैडी, वो दरअसल ना शहर बानों ने ना अपनी किसी टेंशन में मुझे उल्टा सीधा कह दिया था, तो शान समझ रहा है कि मैंने माइंड कर लिया है। तुम क्यों परेशान हो शान बेटा? गलती वलीद की होगी। नहीं मामू, वलीद का कोई कसूर नहीं है, ज्यादती जो है वो शहर बानों की ही थी। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो शान? वलीद, कजन्स की आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। इन गलत फहमियों को दूर करने का बेहतरीन तरीका है कि तुम कल जाकर शहरबानों से सब क्लियर कर लो। लेकिन मामू। नहीं शान बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिलों में मैल नहीं रहना चाहिए, ये मैल आहिस्ता आहिस्ता अपनों को अपनों से दूर कर देता है। हाँ